तहत कल शाम में एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि नामपल्ली कोर्ट ने वाई एस शर्मिला की बेल को मंजूरी दी है। उन्हें बेल पे रिहा किया है, जहां पर वाई एस शर्मिला ने कोर्ट के बाहर सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कार में बैठकर रवाना हुए हैं। आइए देखिए नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के लीडर मतीन का ये बयान हम आपको दिखा रहे हैं, जो वाईएस शर्मिला की ज़मानत पर रिहा होने पर काफ़ी खुशी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं मोहम्मद हाजली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, वाई एस शर्मिला रेड्डी जो हक पर लड़ रहे थे उनको बेल मिल चुकी है, कंडीशनल बेल मिली है, क्योंकि वो आवाम के हक के लिए लड़ रहे थे, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, और हुकूमत के जो नाकाम कोशिशें थी और हुकूमत के जो फेल्यूर्स थे, गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट के जो फेल्यूर्स थे, उसके खिलाफ शर्मिला का जो पदयात्रा, प्रजा प्रस्थान और पदयात्रा जो चल रहा था उसमें शर्मिला का सक्सेस हुए, और टीआरएस की जो गुंडे उनके ऊपर अटैक किए थे उसमें जो है ना शर्मिला का अरेस्ट किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया उनको, हम बहुत खुश हैं, और जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जज साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।